तो ये सब गाइस मुमकिन है तन वापस आ चुका हूँ मेरे साथ। तो हम खेलने एक न्यू हॉरर गेम जिसका नाम है द ट्विंस। तो इस गेम के डेवलपर्स हैं डेवलपर, जी हाँ इनका नाम डेवलपर ये है, और इन्होंने ग्रैनी ग्रैंड चैप्टर 2 और सिलेंडरिना सीरीज़ के गेम्स बनाए हैं। तो ये बहुत ही फेमस कंपनी है, गेमिंग कंपनी है जो हॉरर गेम्स के लिए फेमस है। तो आज उनका एक और न्यू हॉरर गेम खेला रहे हैं जिनका नाम है द ट्विंस। तो इसमें दो ट्विंस हैं, बॉब और बकी, जिनके घर पे जाना है अपने को और वहाँ पे अपने को कुछ आइटम्स चुराने। तो यहाँ पे एक नोट आया गवर्नमेंट की तरफ से, हेलो कंसिंग द लेवल ऑफ अ क्राइम गवर्नमेंट डिजाइड द इनकल्टेशन ब्ला 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 ब्ला, डू एक्सेप्ट दिस मिशन येस। तो वैसे अभी मैं आपको इसकी समरी देता हूँ। तो हम जो है हमारा कैरेक्टर है, इसने पास्ट में बहुत ज़्यादा चोरी कर रखी है, तो गवर्नमेंट इसकी चोरी से अब तंग आ चुकी है, लेकिन वो हमको एक चांस दे रही है। तो दो क्रिमिनल्स हैं, उनके प्रिजन जैसे घर पर अपने को जाना है, अपने को कुछ आइटम्स वहाँ से चोरी करके लाने हैं, और अगर हम वो मिशन पूरा कर देंगे तो गवर्नमेंट हमारे सारे रिकॉर्ड्स, हमारे क्राइम रिकॉर्ड्स हटा देगी। तो हमने मिशन एक्सेप्ट कर लिया है। तो अभी मैं ईजी मोड में खेलने वाला हूँ क्योंकि थोड़ा ईजी रहेगा और हमको उन दोनों की शक्ल भी दिख जाएगी कैसे काम वाम करते हैं। तो मुझे गारंटी नहीं दे सकता मैं कि एस्केप कर पाऊँगा क्योंकि डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा। इनकी स्पीड स्लो है अगर इजी मोड में देखें, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो वैसे तो कोई बात नहीं, तो विद गेस्ट क्या है ये तो रहने दो, क्वालिटी हाई रहने देता, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, शेडोज़ का फ़र्क पड़ेगा। म्यूजिक ऑन है, लेट्स गो। सर मिशन इज़ डायमंड मोनालिसा की पेंटिंग और ये अजीब सी कोई चीज़ है, ब्रिंग बैक दिस 3 वैल्यूएबल आइटम्स, एस्केप द हाउस थ्रू द डोर, बॉब एंड बग हियर्स एवरीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो ग्रैनी में भी आता है, चलो। तो जैसे बाकी ग्रैनी और सिलेंडर की गेम्स होते हैं उसमें वो हमको पकड़ लेते हैं, लेकिन इस गेम में हम बॉब और बक्की के हाउस में जाके विजिट करेंगे, बॉब और बक्की का हाउस। तो इसमें हम जा रहे हैं उनके घर में, ना कि वो हमको अपने घर में लाए हैं। तो हम इस सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आए हैं, हम नीचे नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। तो ये देखने में तो लॉन्ड्री का एरिया लग रहा है। तो यहाँ पर एक क्रोबार है और यहाँ पे मैंने खोल दिया है, यहाँ से भी एक गेट है शायद, पर तो लॉक्ड ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आ जाते हम। ओ और ये गाइस में एक और चीज़ बताना भूल गया, तो ये जो ऊपर लाइफ लाइन है ना अपनी, ये जो ऊपर आ रही है, अगर ये ख़त्म हो गई तो हम हार जाएंगे। तो जैसे ग्रैनी में डेज होते हैं ना, ये अपनी लाइफ लाइन है। तो जब भी हम किसी जगह से गिरेंगे, मान लो मैं नीचे गिर गया, तो मेरी लाइफ लाइन कम होती जाएगी, और जैसे जैसे ये कम होती जाएगी तो, और अगर ये ख़त्म हो गई एक बार तो हमारा गेम ख़त्म हो जाएगा। अब ये कम तब तक होगी जब हम डैमेज देंगे, मतलब जैसे हम कोई हाइट से कूद गया या किसी ने मेरे पर अटैक किया तो उससे कम होगी, या फिर अगर बॉबर बक्की में जब पकड़ लेंगे। तो इसमें डेज का सिस्टम नहीं, इसमें लाइफ का सिस्टम है। तो फटाफट से इन प्लैंक्स के ऊपर चढ़ते हैं, एक बार मैं दोनों को बुलाता हूँ वो कहाँ पर है। तो मुझे नीचे वो कोई चीज़ सी दिख रही, वहाँ जाते हैं। ओ तेरी, चलो अच्छा है मैंने ज़्यादा डैमेज नहीं लिया। तो मेरे सबसे ये है मेन डोर, तो जब भी वो दोनों आएंगे यहाँ पे है, एक अजीब सा म्यूजिक बजेगा, धम चुक धम, ब्राइटनेस फुल है। यहाँ पे क्या है, इसको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं अभी के लिए, वो दोनों तो नहीं आ पाएंगे मेरे हिसाब से नीचे। तो जब भी बकी और बॉब आएंगे तो एक आवाज़ आएगी धम धम धम। तो मेरे हिसाब से कुछ पजल्स हैं, इसके थ्रू अपने को जाना है। तो कहाँ पर जा रहे हैं हम, अच्छा उधर से ऊपर जाने का रास्ता शायद। अरे उधर कुछ है, ओ नो गाइस हम गिर गए। अरे यार मुझे जंप मारनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। तो गाइस जैसे मैं देखो मैं गिरा तो मेरी लाइफ लाइन कम हो गई। ओ तेरी, ये कहाँ गया मैं, वो लगता है मुझे पकड़ लिया दोनों ने। तो हम भाग भी नहीं सकते, क्या करूँ फिर, यहाँ नीचे कोई रास्ता है क्या, ये क्या है, एक घंटी है, इससे तो वो आ जाएंगे ना बॉवर पक्की। क्या करूँ मैं, बॉब के आने का वेट करूँ, और जल्दी आ जा, घंटी बजाऊँ क्या, और वो आ गया। अच्छा यहाँ से हम केज की ले लेंगे, बाय गाइस। ये अपना बॉब है, नहीं सॉरी ये बकी है, ये बॉब जो है थोड़ा मोटा है भाई, इसके पास इलेक्ट्रिकल कुछ पता नहीं क्या चीज़ है, टीजर जैसा कुछ है। तो उसके जाने का वेट करते हैं, गया वो 5 4 3 2 1 गया।
गया कहाँ से? यहाँ से तो ब्रिक्स है। अभी यहाँ अपने को संभल के रहना है। अब हो सकता है वो दोनों इधर ही हों। अबे जम में भी डैमेज लेगा क्या अब तू? ये क्या? ओ भाई मैंने तो आवाज़ वाज से कर दी कुछ। कोई बात नहीं, ये क्या है? रेड की ये ले लेते हैं और यहाँ पे एक बार छुप जाते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे कुछ है क्या? वो डर्टी फैब्रिक है कुछ, तो अभी तो की रहने देते हैं, इसका कुछ काम आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा इलेक्ट्रिक लॉक है इस डोर में। वी कैन कट द पावर। अच्छा ये क्या है? रिवॉल्वर पार्ट चाहे ग्रैनी के शॉटगन के पार्ट होना वैसे ही है, ठीक है। ये डायनामाइट नहीं, रेड पॉइजन है तो। और क्या इसमें डायनामाइट के काम है? ओ ग्रीन की, तो अभी तो रेड की ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे फिर से एक रिवॉल्वर की एमओ है। ओ नो भाई मैंने कबाड़े कर दिया। वो दोनों आ जाएंगे, खुल गया। चलो तो अभी यहाँ तो। ओ नो भाई डरा दिया इसने मुझे। वो तबले से बजने लग गए धम चक धम। तो क्या तबले बजा रहे हो? गया क्या वो पागल? वो जा रहा है, उसने डरा दिया मुझे अचानक से आ गया। अबे फिर से आ गया तो जीने देगा मुझे? तू क्या इंटेंस म्यूजिक बजा रहे? हो गया भाई, क्या बोले? अबे तो यही घूम रहा है। उसने अच्छा देखा नहीं। चलो मैं तो निकला यहाँ से, बस बॉब ना आ जाए, बाकी तो ऊपर है। और अपने को यहाँ पे भी बस जाके देखने क्या है। ये इससे तो नहीं खुलेगा? और लोल इससे खुल गया। अब यहाँ पे चलते हैं, ये जगह एक्सप्लोर नहीं की थी। इस बार मैं ढंग से चलूँगा थोड़ा सा। ये कहते तो क्राउच करके चलते, उससे ज़्यादा फायदा होगा। नीचे नहीं जाएंगे डरे यार, नीचे तो केकड़ा सा अजीब सा चीज़। नीचे नहीं जा रहे, रुक जाओ मैं नीचे नहीं जा रहा। लो भाई मेरी रेड की नीचे गिर की, कोई बात नहीं, उसका तो काम नहीं है वैसे भी। अबे यार उसका आने का मुझे वेट करना चाहिए था। अरे खाई अड़ा रे, निकला से लेयर्स बहुत परेशान करते हैं। नेट ही बंद कर दो। अब कहाँ गया मैं? अलग अलग जगहों में आनूंगी क्या? आयरन कॉग, इलेक्ट्रिक लॉक। हाँ भाई इलेक्ट्रिक लॉक ही तो है बस, और क्या है? बस अभी तक तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया इस गेम में। मैं जब भी नहीं जाने की ट्राई करता हूँ। अरे क्या भाई, थोड़ा सा ही तो गिरा है, उसमें क्या लुढ़क गया? इतने देर में तो वही दोनों आ जाएंगे। ओ तेरी वो आ गया, आ जा आ जा। शक्ल देखो उसकी कद्दू जैसी। देखो मैं तो नीचे। अरे भाई ये कहाँ से आ गया? ओ भाई बॉब ने तो थोड़ा पेल दिया, खून उसका थोड़े पे। लो भाई उधर से बक्की, पता नहीं पॉप कहाँ से टपका। तो भाई बॉब और बक्की ने मुझे फोड़ दिया। अब मैं अलग ही जगहों में आ रहा हूँ, पता नहीं क्या। और ये क्या है? ये हमने टॉयलेट जैसी कोई चीज़ हटा दी।
हमको पकड़ लेते हैं, हमको थोड़ा सा टाइम देते हैं कि हम सुधर जाए, और जब इनका दिमाग सड़क जाता है तो सोचते हैं भाई अब तो उसको हम जाने नहीं देंगे, अब बहुत हो गया, हद हो गई अब भाई, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, नीचे जा रहा हूँ यार। अरे बक्की तेरी क्या प्रॉब्लम है यार, जीने देगा मुझे? अरे तुम दोनों आ जाओ यार, क्या है, दोनों दोनों, अरे वो आ जाएंगे भाई सच में। ओ भाई मैं गिर जाता अभी भाई, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। लोल जल्दी 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 जल्दी, ओ नहीं यार, मैं यार गलत टाइमिंग होती है हर बार। अरे मैंने नेट बंद तो कर रखा, कैसे ऐड आ रहे हैं? नहीं जी मैं फिर से अलग जगहों में आ गया गाइस, ये गेम तो बहुत डिफिकल्ट है यार, मैं जगह पे जा ही नहीं पा रहा, उधर है क्या मुझे देखना है? बाकी नीचे से आएगा पक्का गाइस, लास्ट अगर इस बार में नहीं पहुंचाना तो फिर मैं कहीं और जाऊंगा गाइस, मैं जा ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, मैं हर बार गलत कर रहा हूँ। अब तू तो चल जा, मुझे बिल्कुल सही टाइम पे जम मारनी है, रुक जा अभी नहीं, अब वो आएगा ऊपर, ओ भाई बच गया इस बार तुम्हें, अरे मैंने जम मारी थी यार, वो देखो अजीब सा कीड़ा आ गया नीचे से, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, फिर से आ गया गाइस, अब मैं केज से बाहर निकलने के बाद ही बात करूँगा। बस फाइनली मैं इधर पहुँच चुका हूँ और मुझे फाइनली डायनामाइट मिल चुका, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे अरे कहाँ जा रही है? इससे अब मैं उन दोनों को कबूल कर सकता हूँ, बूम वो ज़्यादा नीचे नहीं ले आई, तो मैं समझ गया वो आयरन का वाला इधर काम आएगा, ठीक है ठीक है। अरे जब अबे यार बस एक बार इस बम से उन दोनों को फोड़ेंगे, बॉम बकी को काबूम करेंगे, इसी के लिए तो बॉम बनाए। अरे मैं ऊपर कैसे जाऊंगा? ओ नो 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 नो, एक आ गया मेरे, मैं तो भाई इसके पास आ गया, तो ये मैं यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ से इधर जाऊंगा और ऐसे करते करते, अरे यार क्या है इसको, इसको एक दो दो जम्मे झटके लग रहे हैं। अब आओ तुम्हारी, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, दोनों आओ, टाइम नहीं है पास, जल्दी आओ, वायरन का मेरे हिसाब से इधर है, हाँ ये रहा, जल्दी आओ यार, कितना टाइम लगाते हैं। वो आ गया, वो अपने भाई को भी ला, ये गया थ्री, अरे मैं दूर चल जाऊँ, ये और इन दोनों का मैंने बूम भाड़ा कर दिया, आए मजे मुझसे बढ़ोगे। तो गाइस मेरे हिसाब से आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, ये बहुत ही मुश्किल गेम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती है, स्किप बना रहा है, ब्ला 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 बहुत काम है। तो आज के एपिसोड के बस इतना ही, मैं हमने इन दोनों का घर विज़िट किया, बहुत बड़ा घर है और अजीब अजीब सी चीज़ें रखी हुई, पता नहीं क्या है,
और इन दोनों की शक्ल भी बहुत ही अजीब है, तो मुझे तो बहुत आया मज़ा है इसको खेलते हुए। अगर मैं थोड़ा सा इसमें एक्सपर्ट हो जाऊँगा तो मैं ज़रूर एस्केप करना, मतलब जो भी मिशन था, मतलब मिशन तो नहीं, कम से कम घर से एस्केप करने की ट्राई करूँ बिना किसी सामान के, तो वो मैं ट्राई करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।